फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, सुबह के बजे है 7:20। तो अब गूगल मैप अराउंड 5.5 आवर दिखा रहा है। तो निकलते हैं, फिर बहुत लेट हो गया। हमें एक्चुअली 6:30 बजे निकलना था, बट अभी 7:30 हो गए। सो नो वरीज, इट हैपेंस। चलो कैसे रसिका? तो हम लोग पहुंच गए खालापुर का फूड प्लाजा में। बहुत बहुत गंदा भीड़ था, बहुत गंदा भीड़ था। 10 मिनट हम लोगों को लिटरली पार्किंग ढूंढने में ही गया, और फिर जाके एक तो हम लोगों ने नाश्ता लिया, बट बैठने के लिए जगह नहीं। हम लोगों ने लिटरली खड़े रह के फटाक फटाक से हम लोगों ने खाया है। अभी निकल रहे, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप है यहाँ पे। तो अभी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का जर्नी बाकी है, अभी निकल रहे हम लोग यहाँ से। सी ऑन द रोड। तो हम लोगों ने अभी जस्ट एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस किया है, पुणे में एंटर किया हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था एक्सप्रेस हाईवे पे, कंस्ट्रक्शन चालू है, डाइवर्जन्स मिलेंगे बहुत सारे, और ट्रक्स भी बहुत है, तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल ऑन एक्सप्रेस हाईवे, देन कीप दिस थिंग इन योर माइंड, और ट्राई करें कि जो खालापुर फूड प्लाजा है वहाँ पे ब्रेक ना लेते हुए, तलेगांव टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद जो फूड प्लाजा रहेगा वहाँ पे ब्रेक लो, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम है, पार्किंग के लिए भी प्लेस आराम से मिलेगी, और जो भी आपका ट्रैफिक वाला टाइम है वो आराम से पहले आप निपटा लोगे। सो दैट्स इट। सो अभी जा रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर। Oh,
लोग जस्ट अभी केर शिवापुर पहुँचे हैं, पुणे क्रॉस किया हम लोगों ने। तो हमें लगा था कि पुणे में बहुत सारा ट्रैफिक लगेगा, बट अनएक्सपेक्टेडली पुणे में ट्रैफिक नहीं मिला। हम लोगों ने स्मूथली पुणे क्रॉस किया। अभी खेड़ शिवापुर जस्ट पहुँचे, अभी दिस इज अभी ऑलमोस्ट 73-74 किलोमीटर रिसोर्ट दिखा रहे हैं। 1.5 आवर का जर्नी है बाकी है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग जर्नी। होप वी आर डूइंग गुड एंड वी विल डू गुड। चलो चलते हैं रोड पे, और आप लोगों को अभी आगे जाके और अच्छे सारे लोग ड्रोन शॉट्स भी लेने वाले हैं। सो होपफुली सब अच्छा ही हो जाए। तो मिलते हैं आगे। ये है हमारी सवारी और ये है हमारी मैडम ऑलवेज फर्स्ट सीट पे। चावी मारे कड़े तू का जाते है पूरे। मैडम को धूप लग रहा है। ये हमारी सवारी, चलो चलते हैं। पहुँचे है वाई, और वाई आने तक मैडम सोई है। पूरा टाइम गॉगल के पीछे जो सोई है मैडम। मैं जोर जोर से गाना लगा के गा रहा हूँ, फिर भी मैडम खराटे पे खराटे मार रही है। गन्ने का जूस ऐसे पी रही जैसे कि चाय पी रही है। हाँ, तो अभी स्टेटस ऐसा है कि हम लोगों ने अभी बेंगलुरु हाईवे से राइट टर्न लिया है टुवर्ड्स वाई। ये जो महाबलेश्वर का राइट टर्न आता है वहाँ पे टर्न लिया है हम लोगों ने। तो जैसे ही आप वाई का जो रोड स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेश गन्ने के जूस वाले स्टॉल्स मिलेंगे। तो आप मस्ट ट्राई करना, ये बहुत ही फ्रेश रहते हैं और ऐसे लगता है कि ये अभी उन्होंने खेत से निकाल के आपको जूस बना के दिया है। विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी सॉल्ट, नथिंग, जस्ट वो फ्रेश आपके आपके सामने वो प्रिपेयर करके देंगे। इट्स वेरी टेस्टी, मस्ट ट्राई। तो आए हम रुचिरा गार्डन रेस्टोरेंट। लुक एट द एम्बियंस गाइस। तो हम लोगों ने लंच ब्रेक लिया है। हम लोग आए हैं रुचिरा गार्डन रेस्टोरेंट में। तो हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी और यहाँ पे 10 मिनट पे हम लोगों का रिसोर्ट है। तो सोचा कि रिसोर्ट में जाने से अच्छा है कि पहले हम लोग यहाँ पे ही लंच कर ले। तो हम लोगों ने चिकन ऑर्डर किया है। फूड आने के बाद हम लोग आपका उनका रिव्यू दे देंगे। बट वी आर वेरी हंग्री, वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये है हमारा फूड। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो ये है ड्राई चिकन और उसके साथ मिले हैं हमें चिकन की ग्रेवी। तो ये एक ही डिश है चिकन बादशाह, जिसमें ड्राई चिकन और ग्रेवी आती है अलग से। और हम लोगों ने ऑर्डर किए ज्वारी है ना, ये ज्वारी की भाकरी। मैडम भी ज्वारी की भाकरी खाने वाली है। तो हमें जोरों से भूख लगी है। तो हम लोग अभी फटक से खाएंगे और फिर निकलेंगे। चलो बाय। तो हमारा खाना खा के हो गया है। खाना बहुत अच्छा था, बहुत। आप बिलीव नहीं करोगे, आप अगर आते हो ये रोड पे तो ये रुचिरा रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करना। और चिकन हो या वेज हो, कुछ भी हो, एकदम होमली प्रिपरेशन वाला फूड है, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको स्पाइसी चाहिए, नॉन स्पाइसी चाहिए, आप उन्हें बता सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करके देते और फटाक से दे देते, तो आपको ज़्यादा देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोगों का रिसोर्ट है यहाँ से हार्डली 13 किलोमीटर पे है। तो अभी हम लोग हेडिंग टूवर्ड्स अवर रिसोर्ट। आप यहाँ का रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप आपके फैमिली के साथ अगर आते हो यहाँ पे, आप फोटोज़ निकाल सकते हो, थोड़ा हैंग आउट भी कर सकते हो। पार्किंग के लिए भी काफ़ी एम्पल स्पेस अवेलेबल है, तो पार्किंग का भी इशू नहीं है। और ये हाईवे को लग के ही है, तो आपको ज़्यादा डी रूट करने का भी ज़रूरत नहीं है। सीधा लेफ्ट टर्न मारो और रेस्टोरेंट में तैयार।
अभी जा रहे हैं हमारे रूम में। देखो एंट्रेंस कितना खूबसूरत बनाया है इन लोगों ने। रूम के बैक साइड पे ही आपको अच्छा खासा व्यू मिलेगा। और ये है हमारा डोर। यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए थोड़ा सा जगह दिया है। यहाँ पे है एसी। और ये देखो रूम काफ़ी स्पेशियस रूम है और क्लीन भी है। और ये है बालकनी। और ये देखिए ये नज़ारा। ये है यहाँ की स्पेशलिटी। कौन सी कृष्णा नदी ना, वो है कृष्णा रिवर और उसके बिसाइड ही अपना रिसोर्ट है। ये है दूसरा विंडो। ये टीवी, वार्डरोब और ये वॉशरूम। वॉशरूम भी काफी क्लीन है। फाइनली हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है। अभी हम लोग थोड़े से फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद हम लोग टी ब्रेक लेने हम लोग रिवर साइड चले जाएंगे और होपफुली आज या फिर कल हम लोग ड्रोन उड़ाने वाले। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। हम लोग फर्स्ट टाइम ड्रोन उड़ाएंगे तो वो भी एक अलग से ही एक्साइटमेंट है। सो स्टे ट्यून गाइस, देखते हैं आगे वीडियो में क्या क्या आने वाला है। One eternity later. सो आज का ट्रैवल ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। हम लोग दोपहर में अराउंड 3 बजे के पास आ गए यहाँ रिसोर्ट पे। हम लोग बहुत ही टायर्ड थे तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा पावर नैप लेते हैं आधे एक घंटे का और फिर उठ के चले जाएंगे एक्सप्लोर करने। बट जो हमें गंदी वाली नींद लगी है, हम लोग सीधा 5:30 को उठ गए। तो अभी फिर वैसे भी सनसेट होने का टाइम आ रहा था तो किधर एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं बनता। तो हम लोगों के पास ड्रोन था तो कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं। फर्स्ट टाइम ड्रोन उड़ा रहा हूँ तो थोड़ा नर्वसनेस था, पता नहीं था कैसे करते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लोर किया तो आज ड्रोन का कुछ थोड़ा सा वार्म अप टाइप हो सकता है तो छोटे मोटे ही शॉट्स आए। तो मतलब नहीं बनता, अगर कुछ आता है अच्छा वाला शॉट तो फिर ये ब्लॉग में अटैच कर लूँगा। या फिर तो कल का प्लान है, कल सुबह उठ के ड्रोन शॉट लेना है। हम लोग रिसोर्ट का पूरा ओवरव्यू दिखा देंगे आपको और पूरा रिव्यू, जो जो रिसोर्ट में फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ अवेलेबल है वो सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सब पूरा गो थ्रू कर दूंगा। और फिर ड्रोन तो कल पक्का, कल बहुत सारा एक्सप्लोर करना है। सो आज के लिए गुड नाइट। आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अब हम लोग जाएंगे डिनर करने। तो तब तक टेक केयर एंड एन्जॉय गाइस। चलो निकलते हैं अभी। अरे एक बात तो कहना ही भूल गया। This is the first time I'm traveling my travel vlog. If you like this video, please like this video and subscribe to my channel. ऐसे ही follow करते रहिए और ढेर सारा प्यार। If you like this video, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ऐसे ही कई सारे ट्रैवल ब्लॉग आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। और ये हमारे ब्लॉगर जो ब्लॉग कर करके सो गए थक के।